माता जी आपका 80 कुल आपक बहू का जो आज कब्र खोदल जाइए। हाँ 80 कुल रोबीना का कब्र खोदल जाइए। उनका मौत हो गई 5-6 महीना पहले। हाँ उनका तिंठे लाइको माता जी। हाँ अब बात बहुत बढ़िया रहे हमार के कबू दिक्कत ना दे ले रहे तीन लड़का बेचारे वो भी जो है बिना माँ के कहते लेके हम बिताई तो हम बिताई तो आर हमार पतो बड़ी ठीक रहिए माई अबे फाया रहिए अब माई का खौप लेला केथुआ का खौप लेला माई 3 बार आनो से पकड़ा धरा गई है कह के हमार माई ऐसा बूढ़ हो गई कर तब करत है हटा हम भाई से कह हम कहीं के बहनी मत कहू झगड़ा हुई बेल कि ना छिपा रखा बहनी जाए ना बहनी कहना हम ना मानब तो एदा परी कान का कन फूल ले ले रही आ झगड़ा उगड़ा कोई के आए ला कोई खाला में आई जकर हम आई बोई जाइत कर सेवई में भूजलस कले खाला तो अम्मा तो के कपड़ा बन गला हम कनी हम तोन सन खुश हो तुम खुश हम कनी के कपड़ा हो गला माता जी। लेकिन आपके जो बहू रानी है उनके मायके वाले लोग आरोप लगाओ थे कि आप लोग गला दबा के मार दिले। हाँ उसन का कहते कि फसड़ी लगा दिले। फसड़ी लगा दिले रानी जी आप लोग। अरे भैया कुछ ना हमन इतनी बहू अच्छी रह लिया कि हमन फसड़ी लगावल जाई तो हम कहनी कि तो के सखो खत ले जो ऐसे ऐसे रोंगा रोंगा ऐसे ऐसे उठा हमन से टेन बोला चाली ना रहला काहे का मतलब ये कुल झगड़ा टेंशन से दू दू तीन तीन वाला पंचायत भइल विदाई ना करत रहले। हाँ खाली अपन आई कि नहीं राखत रहले। अच्छा हाँ और मनिहारी के गई न लोगन अरधान प्रधान खिला जाए पंचायत लिया है कह के हम 3 लाख लेब। तो मतलब शादी से पहले से ना बोला चली रहा कि शादी के बाद? नहीं शादी के बाद न शादी के बाद ये कि पंचायत पंचायत करते बिया भले जाई रहे खाते कि वो जाई रहे। जब कुछ लोग ये कहते ना कि इनके मर गए पर रात के ही दफना दे अलगन नहीं सब गांव गांव जानत बा भैया राती के बेचवा बका दफनावल गन सगर पंच सहरिया मुसहरिया जवन कुल सगर पंच जानत बा। अच्छा 3 बजे ई कौन चीज शोर जो ना रात के दफनावल के ई कहां कैसन मैटर है अब उ कहले हत अब हम का करी जब उ कहत बा तब अब हम का कर। अच्छा बोला चली कोने चीज खातिर ना होत रहले आपने ओकर माई से खाली ना होत काहे का मतलब ए मतलब कि एकरा है ना देथिया अपन झगड़ा जात तब तो झगड़ा करती है लड़की रहनी अपने घर खानी कमा ली समान आँ तो हमार पतो लायक दारिये तो इतो राहे ना दे। हाँ यही से बोला चाली बंद कर दे बड़ी झगड़ा उन्हें भैया तो हमन झगड़ा कर ले हम का नाम मान के मन जाल जाए झगड़ा। तो आज कब्र खोदल जाए तो आपके पता है? हाँ 9 बजे प्रधान बताऊंगा। और के हुआ एक सूचना के लेके नहीं के हुआ आया लल अब ये गई ना पुलिस गई ना ना ये गाड़ी तो वह कहना है इससे पहले बीच में ये आप लोग का जो आरोप लगल है तो एक माध्यम से मतलब थाना पुलिस गिरावल। हाँ पुलिस आई है वह जाने ली जाता है ना अरे कल कल महीने दिन होते चाहे कम होते। अच्छा पोस्टमार्टम काहे ना बोले उस समय अगर पोस्टमार्टम हो गल तो आज दोबारा से ना माई ना कर देला माई मतलब वहाँ से। हाँ काहे मिट्टी आपका बहुत यही जुड़ा नहीं है कि नहीं हमारे लड़की को लिख गल मर गई आ पोस्टमार्टम के थुआ को हुई हम कहनी के ले जो पोस्टमार्टम करवा लेकिन होला तो पोस्टमार्टम जरूरी होला ना तो हम आन में भैया ना जब मौत हो गई अच्छा से तो चटोपट में मर जाना आदमी तो ना पोस्टमार्टम होला माटी का राई छाई ना करावल जाला। आज तो फिर तब वो तो होत बा ना अब ई नया करत है तो का करो अब गाड़ल मुर्दा तो उखड़ल जात बा। हां तो ई नया करत है तो का करो अब कौन बस बा हमार उमर बस बा हमार यही के कहला कि समय से अगर काम नियम से हो जाला तो दिक्कत ना हो। हमारे लड़कियों कहलस कि उठाओ लाश लेके जो गाजीपुर पोस्टमार्टम करा ले। हाँ अमन खुलसा हे जाई से आदमी हमके पकड़ के लेके गई ना कहना कि तू का पागल आई है। अच्छा जब जब उनकर मौत भइल ओ समय पुलिस उलिस आइल ना 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 प्रशासन पुलिस सूचना कोन के हुना आयल उसमें एफआईआर कुछ ना कुछ ना भला भैया कुछ ना ई कब बाद में भयल ई खाली महीन दिन होत ह नहीं तन में कम होत होई ए जैसे पुलिस आइल की 4 दिन लेके आई आवल जाए तो एक दफे आइल दो दफे आइल तो ना गई नहीं मतलब उनके मर के दफनैले के बाद 3-4 महीना के बाद जो है एफआईआर आप लोग के भयल 5 महीना 6वां महीना में भयल 6वां महीना में। हाँ तब जाके प्रशासन आइल फिर से जो है मुर्दा उखाड़ी फिर से जाँच पड़ताल 6वां महीना में आई तो 4 गो गाँव को गई न 4 गो गाँव को गई न कुल दस्खत उस्खत बनल तो हे जे चिन्ह देखा हे जे
तखनी जा मन में इतिर आवेले काला तो मातरिये कफनौली फनौली उहे कुल कहनी सुन ना उहे कुल नौल धोल कैला तो उहे इतिरिया ऐसे ऐसे खींचल ला तू देखनौ ना मोबाइलिया पर तम कनी भैया इतिरिया खींचल काहे न ओतनी पब्लिक रहे तो देखौ ला निशान रहल का हां हे जे हे जे ऐसे ऐसे हे जे फोटाउआ पर देखौ ना अच्छा घर में ना रहे हो जे फोटाउआ पर देखौ तो हम कनी ओतनी पब्लिक रहे कोई चीन हा पौले रत काहे न देखौल से तो बार उठा उठा के देखौ निशान त जब सही रस्सी उसी अगर लगल रहला दबाव रहला तब निशान बनेला ना मरले पर फोटो खींच लेला तू खींच लेला ना तब भेजे हम कुछ खाचत थे ऐसे 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 एक फोटो आई ना आई ना। चलिए अब तो जांच का विषय और जांच हो रहा है तो प्रशासन अब गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ेगी पोस्टमार्टम होगा जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे जो है प्रशासन खुद जो है खुलासा करेगी और बाकी देखिए माता जी हैं अब इसी दुकान पे अपने पोतों को लेके पालती पोसती ये दुकान है देखा है साहब ये दुकान है भैया ये लेकर लेके अपन जी आई ला खियाई ला इज्जत है अब रो है अपन नौ नेता बाबू मन देखिला और से कर्जा लेला तो सौ दो सौ और दे ये देखाइए चलिए देखिए दोस्तों हम हैं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के सादियाबाद थाना अंतर्गत गांव मोहब्बतपुर गांव है ना ये मोहब्बतपुर गांव में जो कि यहां पे आज से 5-6 महीना पहले इनकी बहू थी उनकी मौत हो गई थी और उनकी बहू की मौत होने के बाद उन्हें दफना दिया गया और जैसा कि चाची बता रही कि उस समय कुछ पुलिस प्रशासन के द्वारा या फिर उनके मायके के द्वारा कोई कहीं से कुछ नहीं हुआ लेकिन आज 6 महीने बाद अब इन लोगों को आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग उन्हें गला दबा के मार दिए हैं तो इसी आधार पर जो है अब प्रशासन उस गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ेगी और पोस्टमार्टम होगा और फिर से जांच होगा और उसके बाद जो भी कुछ होगा अब उसके बाद खुलासा होगा। तो चलिए अब तो ये प्रशासन का अब ऊपर है प्रशासन के हाथ में है अब इन्होंने गला दबा के मारा है या फिर उनकी अपने से मौत हुई है अब तो जांच के बाद पता चलेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।